सब्सक्राइब करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करिए डिफेंस से जुड़े हुए हर रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं SSB के कॉल अप लेटर को फिलअप करने के लिए। तो जैसे ही आपके रिटन रिजल्ट्स आउट होते हैं या आप डायरेक्ट एंट्री में होते हैं, आपकी कट ऑफ रिलीज हो जाती है, उसके बाद डेट सेलेक्शन लिंक के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कॉल अप लेटर डाउनलोड करके कॉल अप लेटर के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना, कॉल अप लेटर के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन करना। और कॉल अप लेटर में बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे अपेंडिसेस होते हैं जिन्हें फिलअप करके कैंडिडेट को जाना पड़ता है, जिसमें ट्रैवलिंग अलाउंस होते हैं, जिसमें रिस्क सर्टिफिकेट्स होते हैं, जिसमें CGPA conversions होते हैं, undertakings होती हैं जिसमें आपके previous SSB details होते हैं, और ऐसी बहुत सारे important information required है, mandatory है जो आपको fill up करके जाना होता है। Now, ऐसी किसी भी form में आप mistake ना करें और एक बार में आपके documents clear हो जाए, उसके लिए मैंने ये detailed video बनाई है। आप कोई भी entry हो, सिर्फ आपका front page और entry का नाम change होगा, जो back में options होंगे call up letter के वो mostly similar होते हैं। तो चाहे आप FCAT entry के हों, NCC के हों, SSC टेक के हों, CDS, NDA, कोई भी एग्जामिनेशन को हों, आप आराम से ये वीडियो के थ्रू अपनी कॉल अप लेटर को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक। तो बिना किसी देरी के हुए आइए स्टेप बाय स्टेप एक एक फॉर्म आप मैच कर सकते हैं और मेरे साथ साथ इनको डिटेल में फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप कमेंट करके मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली गए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और आपके डाउट्स क्लैरिफाई कर दिए जाएंगे। और साथ ही SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए विजिट करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स की वेबसाइट को, क्योंकि बहुत सारे फ्री एडऑन्स अभी अवेलेबल हैं, जैसे कि फ्री मॉक इंटरव्यू टेस्ट, यानी जब आप SSB का कोर्स गाइडेंस लेंगे तो फ्री मॉक इंटरव्यू SSB के टेस्ट अनलिमिटेड आपको अवेलेबल मिलेंगे, आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मिलेगा, आपको सारी गाइडेंस, सारी फैसिलिटीज, 1-to-1 जो डाउट क्लियरिंग सेशन है जो किसी भी और इंस्टीट्यूट में नहीं मिलता, इंडिविजुअल टेस्ट वाइज बुकलेट्स मिलेंगी, 1000+ सैम्पल सेट्स मिलेंगे हर टेस्ट को लेके। ये कोई भी और इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड नहीं करेगा जितना मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, फटाफट से जाइए विजिट करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स की वेबसाइट पे। और आइए शुरू करते हैं आपके कॉल अप लेटर की फॉर्म फिलिंग को। आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल, सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड सो दैट यू डोंट मिस एनी सॉर्ट ऑफ इंपॉर्टेंट अपडेट। एंड बिफोर प्रोसीडिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स, कैन रेगुलरली गेट सच इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस एंड करियर अल्टरनेटिव्स एज वेल। सो अपेंडिक्स एंड फॉर्म, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, जैसे ही आपका कॉल अप खत्म होता है जिसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं, द वेरी फर्स्ट यू गेट इज एग्जिबिट वन। ठीक है, एग्जिबिट वन बेसिकली आपका पॉलिसी होता है बॉडी टैटूज के लिए। नाउ ऑल दोज कैंडिडेट्स जिनके पास बॉडी टैटू नहीं है, दीज फॉर्म्स आर नॉट एप्लीकेबल, यानी ये आपको सिर्फ दिया जाता है अगर आप इस कंडीशन में फॉल आउट करते हैं, then you have these forms. अगर आपके लिए ये applicable नहीं है, so you do not need to fill it. ठीक है, आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है, आपके पास call up में रहेगा, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। Now all those candidates जिनके पास body tattoos हैं and जो tribal communities से आते हैं with permanent body tattoos, उन्हें ये exhibit 1 का form fill up करना होता है, जहां पे you have to mention I, your particular name, and you are son or daughter of your father's or parents' guardian's name, date of birth, and you declare. So this is sort of a self-declaration, जहाँ पे आप अपनी tattoo का brief details देंगे, that what is size in centimeters, is there any particular language, अगर है तो then it is fine, otherwise आप simply एक dash put up कर सकते हैं, make sure जो आप form भर रहे हो it remains. Next we have exhibit 2. Now exhibit 2 is again for permanent body tattoos only, for tribal candidates. इसमें आपको अपने tribe की details भी mention करनी होती है. For example, पिछले वाले में तो आपने बताया कि that you have permanent body tattoos. Here again a second form you need to fill, जहां पे ऊपर का paragraph is almost same, आपको अपना नाम डालना है, son and daughter of your guardian's name, and you belong to which tribe आपको mention करना है, या community जो particular district में आती है, कौन से state में आता है वो आपको mention करना है। Thereafter there is one second paragraph जिसमें बताया गया है कि जो permanent body tattoo है ये ink किया गया है कौन से body part में, आपका अपना नाम and कौन से tribe में कहाँ पे ink किया गया, किस practice के through, क्योंकि आप लोग के अपने rituals होते हैं, cultures होते हैं tribes में जो follow होते हैं, सो यू नीड टू मेंशन कि इस ट्राइब में, इस बॉडी पार्ट में
इस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है, ठीक है। फोटोग्राफ आपको यहाँ अटैच करनी है एंड अगेन अपने टाटन की डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी है। जो कॉलम एप्लीकेबल नहीं है वहां पे सिंपल डैश आप फिलअप कर सकते हैं। एंड बहुत सारे और डिटेल्स के लिए आप देख सकते हैं YouTube चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए और गाइडेंस के लिए। आइदर आप YouTube चैनल पे वीडियोस देख लीजिए या चेक करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स की वेबसाइट, मैंने बहुत डिटेल में कर रखा है। और अगर आप SSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSB का मटेरियल आपको चाहिए, सो वी हैव 15 प्लस ईबुक्स। हर टेस्ट के लिए इंडिविजुअल बुक लिस्ट है एंड द रिजल्ट वी आर हैविंग इज वेरी flawless and tremendous. We have candidates recommended from every entries and we are hoping this year also the same result. So this is the only platform जो आपको इतनी practice material provide करता है with your lectures and practice material. So ठीक है, exhibit 3 है. Exhibit 3 is basically for the candidates जो permanent body tattoo है बट दे आर नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज, ठीक है। दो अभी तक हमने फॉर्म्स देखे जो ट्राइबल कम्युनिटी कैंडिडेट्स के लिए थे, नाउ दिस फॉर्म इज फॉर नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज। अगेन सेम पैराग्राफ एंड आपको अपने टैटू डिटेल्स को डिस्क्राइब करना है, प्लेस डिक्लेयर करना है एंड सिग्नेचर करना है। नाउ नेक्स्ट वी हैव अपेंडिक्स ए। अपेंडिक्स इज ए बेसिकली नो रिस्क सर्टिफिकेट जिसमें आप बताते हैं यू योर पर्टिकुलर नेम, सन ऑफ या डॉटर ऑफ आपके पेरेंट का नाम, हु इज अ कैंडिडेट ऑफ जो भी पर्टिकुलर एंट्री से आप जा रहे हैं आर्मी नेवी, ठीक है। यहाँ पे इट इज बीन डिक्लेयर्ड कि इफ आई गेट कॉन्टैक्ट इन COVID-19 ट्रांसिट इन द सेंटर आई एम अटेंडिंग द SSB एट योर ओन रिस्क। तो बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है सो यू आर कमिंग एट योर ओन रिस्क, की एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको लेके जाना होता है। प्लस प्लेस डेट आप अपनी करंट प्लेस डेट डाल सकते हैं, साइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अपेंडिक्स बी। अपेंडिक्स बी में बेसिकली अगर आपकी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल्स हैं, जैसे आपने एक ईमेल आईडी से एक प्रोफाइल बनाई एंड दूसरी ईमेल आईडी से दूसरी प्रोफाइल बना ली, ठीक है, सो उनके लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको पूरा फिलअप करना है कि क्योंकि ज्वाइन इंडिया नामी में दो डुप्लीकेट प्रोफाइल्स नहीं अलाउड है, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। सो आपको दोनों प्रोफाइल्स का अपना रजिस्ट्रेशन आईडी एंड डिटेल्स प्रोवाइड करना है अगर आपने मोर देन वन प्रोफाइल बनाई है ज्वाइन इंडिया नामी की वेबसाइट पे। सो ये एप्लीकेबल है उनके लिए। अगर आपने नहीं बनाई है अगेन यू कैन लीव दिस फॉर्म विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू ऑल। नेक्स्ट इज अपेंडिक्स सी। अपेंडिक्स सी इज बेसिकली बोनाफाइड कम कस्टोडियन सर्टिफिकेट। इसमें द सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स या मार्कशीट्स अगर आपने कहीं हायर स्टडीज के लिए सबमिट कर दी है और आपके पास उस टाइम पे ओरिजिनल नहीं है, सो ओरिजिनल लेटर हेड के साथ आपको ये फॉर्म साइन कराना होगा, ये फॉर्म भी फिलअप करना होगा और इसे भी अटेस्ट करवाएंगे आप अपने प्रिंसिपल या रजिस्ट्रार ऑफ कॉलेज या जो भी यूनिवर्सिटी में आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सो यानी एक लेटर हेड पे सिग्नेचर होगा, प्रूफ आप दिखाएंगे कि आपने फर्दर हायर स्टडीज के लिए अपने ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट को सबमिट किया है एंड उसके साथ ये फॉर्म फिलअप करके आप इस पे भी गैजेटेड सिग्नेचर्स करवाएंगे इन योर यूनिवर्सिटीज, ठीक है, सारी डिटेल्स एज इट इज मेंशन करके। नेक्स्ट इज अगर आपने प्रीवियस SSB अटेम्प्ट्स दिए हैं तो आपको बताना है दैट यू मिस्टर और मिस यू आर सन ऑफ योर पेरेंट्स नेम एंड आपने SSB इंटरव्यू कौन सी एंट्री का अटेंड किया है एंड रोल नंबर क्या था, ठीक है। सो यू नीड टू मेंशन रोल नंबर हियर, आपके जो भी एंट्री थे। और रोल नंबर के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल ज्वाइन इंडिया नामी की प्रोफाइल पर जाएंगे, वहां पे हिस्ट्री ऑफ SSB अटेम्प्ट्स में आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, तो वहां की हेल्प से आप इसको पूरा फिलअप कर सकते हैं, दैट व्हाट वाज द सीरियल नंबर 1234, देन टाइप ऑफ एंट्री कमीशन, कौन से SSB सेंटर में रिपोर्टिंग की थी, बैच नंबर, चेस्ट नंबर, डेट ऑफ इंटरव्यू क्या था एंड व्हाट वाज द रिजल्ट। आप स्क्रीन आउट थे SO, कॉन्फ्रेंस आउट थे CO, रिकमेंडेड थे R और मेरिट आउट थे तो MO, ठीक है। जैसे भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, वेदर शॉर्टकट और फुल फॉर्म्स। नेक्स्ट इज अपेंडिक्स ई। इट इज बेसिकली डेट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट, यानी जो भी कैंडिडेट्स अपने फाइनल ईयर में अकेडमिक सेशन में कर रहे हैं या अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, सो ये उनके लिए कि आपको अपने फिलअप करने, दिस इज अ बोनाफाइड सर्टिफिकेट जिसमें इट इज टोल्ड कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो 1st of October 2021 से पहले डिक्लेयर हो जाएगा। देन यू हैव टू अगेन मेंशन प्लेस डेट एंड सिग्नेचर ऑफ द कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड रजिस्ट्रार।
नेक्स्ट इज अपेंडिक्स एफ, जो कि आपका सीजीपीए रिलेटेड है, यानी पहले आपके जो मार्क्स होते हैं इंजीनियरिंग के वो सीजीपीए में होते हैं. यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज. सो जो भी कन्वर्जन फॉर्मूला आपका यूनिवर्सिटी यूज करती है, जैसे समबडी सम यूनिवर्सिटीज डू सीधे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फॉर समवेयर इट इज 9.5. तो जो भी आपका यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर है, मेक श्योर कि वो क्या मेंशन कर रहे हैं, और आप इसे अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कन्वर्ट करा के अगेन इस पे ऑथेंटिक सिग्नेचर्स करवा सकते हैं अपने कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से, एंड दिस विल बी अलाउड. सो मेक श्योर कि जिनके भी सीजीपीए में परसेंटेजेस हैं इंजीनियरिंग में या ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आपको परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट ये करवाना है अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से. नेक्स्ट वी हैव अपेंडिक्स जी. अपेंडिक्स जी में दिस इज फॉर अंडरटेकिंग फॉर फाइनल ईयर अपियरिंग कैंडिडेट्स, जिसमें ये बताया जाता है कि जो आपके सीजीपीए है 6 सेमेस्टर तक, यानी थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स में बोलूं, या फिर 8th सेमेस्टर फोर्थ ईयर ऑफ बी आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स, एंड 2nd सेमेस्टर या 1st सेमेस्टर ऑफ एमएससी स्टूडेंट, जो भी पर्टिकुलर आपकी स्ट्रीम है, वो डिटेल्स डाल के आप ये बताएंगे कि आपका जो परसेंटेज है टोटल, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो भी आपका परसेंटेज है, यू आर मैचिंग दैट परसेंटेज कट ऑफ, और किसी भी तरह का कोई बैकलॉग नहीं है, अभी तक आपने सारे एग्जामिनेशंस को पास किया है. अगर अगेन आपका सीजीपीए में मार्क्स हैं तो आप उसको परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे, अगेन आपके सिग्नेचर्स होंगे एंड नीचे काउंटर सिग्नेचर्स होंगे बाय योर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज जहां से भी आप स्टडी कर रहे हैं. सो कोई अलग से स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, सारे फॉर्म्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए, यू ओनली नीड टू फिल इट अप. नेक्स्ट वी हैव अपेंडिक्स एच. दिस इज अंडरटेकिंग फाइनल सेमेस्टर के लिए कि आपके जो क्यूमुलेटिव मार्क्स है उस पर्टिकुलर अप्लाइड स्ट्रीम में, कि 1st अक्टूबर तक आपको सारे रिजल्ट मिल जाएंगे एंड यू विल सबमिट द पासिंग डिग्री along with semesters of marksheet 1st October तक, क्योंकि जो आपका SSC Tech या जो भी particular entry होगा, for example यहाँ पे SSC Tech 57 की मैं बात कर रही हूँ, so जो भी date होगी उससे पहले आप अपने educational details को submit कर देंगे. ये entry wise form depend करेगा, ठीक है. Next is appendix J. appendix J में यहाँ पे अगर backlog है and proof of passing, ये basically final year students के लिए है, यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है कि आप इस पर्टिकुलर सोएंसो स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, इस पर्टिकुलर ब्रांच या डिवीजन में पढ़ रहे हैं, और आपका फाइनल सेमेस्टर डिग्री जो है, रिटन एग्जामिनेशन, सारे बैकलॉग्स, कोई भी बैकलॉग बचना नहीं चाहिए, इट ऑल विल बी कंप्लीटेड, यानी आपके जो भी टेस्ट है, चाहे वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, कोई पेपर बैकलॉग है, सो बाय 1st ऑफ अक्टूबर 2021 से पहले सारी चीजें कंप्लीट होके आपके हाथ में आपका फाइनल रिजल्ट होगा. अगेन द डेट वैरीज विद एंट्री, ठीक है, हर एंट्री के साथ ये चेंज होता है. हियर इट इज ओनली फॉर द कोर्सेज दैट आर गोइंग टू कमेंस फ्रॉम अक्टूबर 2021. तो ये प्रूफ आपको सबमिट करना है, अदरवाइज अगर आप रिकमेंड भी हो जाएंगे और मेरिट इन भी हो जाएंगे तो भी आपको SSB तो भी आपको अकेडमी में ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा. Here is, this is basically आपके TADA के लिए है, जो first time travel कर रहे हैं, आपको पूरा form fill up करना है कि आपने कौन से mode से आप journey कर रहे हैं, and only AC third class का fare applicable होता है, for the first timers, repeaters के लिए ये applicable नहीं है. तो here आपको सारी अपनी journey details and bank details provide करनी है, so that आपका जो TADA है वो आपको मिल जाए, ठीक है. And यहाँ पे आपको डिटेल्स बनाने कि अगर आपने पहले भी कोई TADA क्लेम किया है, किसी और एंट्री के लिए क्लेम किया है, सो आपको उसकी डिटेल्स डालने कि प्रीवियस आप कौन सी SSB में गए थे जहां पे आपको TADA मिला, अगर आप एप्लीकेबल होंगे, अगर आपने एयरफोर्स की एंट्री ली है पहले SSB में, या नेवी की SSB आपने ली है, सो उस केस में आर्मी के लिए आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे TA मिल जाएगा. बट अगर आर्मी SSB आपने पहले दी है तो यहाँ पे आप रिपीटर हो जाते हैं आर्मी बैच के लिए, तो हियर यू विल नॉट गेट योर TAs, ठीक है. सो अगर एप्लीकेबल होंगे आप डिटेल्स फिलअप करिए, आपको आपका TA रिटर्न मिल जाएगा. एंड दिस इज बेसिकली जब आप फॉर्म फिलअप होता है, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम आपका रेसिडेंशियल एड्रेस या परमानेंट एड्रेस कुछ और था, अब वो कुछ और हो गया है, सो दिस इज बेसिकली फॉर चेंज ऑफ एड्रेस, क्योंकि फर्दर आपके रिकमेंडेशन के बाद, मेरिट के बाद, आपका जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा दैट विल बी द पोस्टल एड्रेस जो आपने दिया होगा. सो आप यहाँ पे बताएंगे आपका ओल्ड पोस्टल एड्रेस ये है, न्यू पोस्टल एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे एंड इसको भी साइन करेंगे, ठीक है.
तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इनमें से अगर आपके लिए कोई भी एप्लीकेबल नहीं है तो आप कोई भी मत फिलअप करिए, अगर कुछ एप्लीकेबल है तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल्स हैं उनको सिलेक्टिव लेके उनको फिलअप करके साइन करा के जहां पे गैजेटेड सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड है गैजेटेड सिग्नेचर्स करा के रख लीजिए, जहां पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज रिक्वायर्ड है वहां सेल्फ अटेस्ट कर लीजिए, हर डॉक्यूमेंट की एटलीस्ट 2 कॉपीज आप करके अपने पास रखिए, ठीक है। सारे एकेडमिक्स एंड सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के सर्टिफिकेट्स आप अपने पास फोटोकॉपी करा के 2-2 सेट अपने पास रखिए, ठीक है। एंड जो आपका जॉइन इंडियन आर्मी का एप्लीकेशन फॉर्म है मेक श्योर आप उसकी भी 2 कॉपीज अपने पास प्रिंट रख रहे हो और सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने सेल्फ अटेस्ट किया हो। सो दिस वॉज ऑल द इम्पॉर्टेंट अपेंडिक्स एंड इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल द इम्पॉर्टेंट अगेन नोटिफिकेशन अपडेट या SSB प्रिपरेशन। You can check the Government Crackers website, check on the free add-on available, free mock interview, free English SSB course, all are available for first come first service on valid offers. Check Government Crackers website now. Jai Hind.